हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेक्शन 5 और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। एंड सो गाइस, इनका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। हालांकि कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर नहीं किए तो आज हम शेयर कर देंगे यहाँ पे। और 1 से लेकर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। भले ही हम क्वेश्चन कब लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, तो उनको देखना आप लोग भूलिएगा मत। और हम एग्जाम तक सोच रहे हैं आप लोग के साथ कोई अपडेट लिया गया तो हम इसी चैनल पे आप लोग के बीच शेयर कर दिया करेंगे। एंड सो पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा ऐप है। एंड पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए देखिए, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, स्किन होता है, या उपयुक्त में से सभी, मतलब मोर देन वन, या उपयुक्त में से कोई, मतलब नन ऑफ एवर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मैं आप लोग को बता दूं, बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हम लगातार आप लोग के बीच वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करने वालों, इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। स्किन सबसे बड़ा पार्ट हो जाती है मानव शरीर के यहाँ पे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ रहे कि मानव शरीर के सबसे छोटा पार्ट कौन होता है, ये लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट ऑर्गन पूछ देगा यहाँ पे। तो फिर वहां पे आप क्या टिक लगाएंगे, वो भी एक मास्टिक का ही पार्ट होता है, इसका नाम है पीनियल ग्रंथि नाम है यहाँ पे, जो कि कहाँ होता है, ब्रेन में होते हैं यहाँ पे। मास्तिक के अगर बारे में बात करें, कोई भी चीज सोचना होता है, समझना होता है, तो हम मास्तिक से ही काम लेते हैं। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये भी जानकारी ले सकते हैं त्वचा क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। अब देखिए, त्वचा यानी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करती है, हड्डी को सेफ्टी करने का काम एक त्वचा तो ही करती है यहाँ पे। मान लीजिए पहले कोई भी इफेक्ट हमें त्वचा पे पहुंचता है, मतलब स्किन पे पहुंचता है, फिर हम जाके हड्डी पे पहुंचता है यहाँ पे। और हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है गाइस जो ब्लड वगैरह जो सर्कुलेटिंग वगैरह का काम करता है, एक हृदय ही करता है यहाँ पे। So, ये आप जानकारी ले सकते हैं, ऑप्शन सी को टिक लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 2 देखें, एंड 2 भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। प्रकाश का वेग 100% किसने मापा था, हु फर्स्ट मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे, कॉपरनिक, न्यूटन, या रोमर, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे। हालांकि अगर मैं कैंसर की बात करूं, इसका आंसर रोमर हो जाएगा यहाँ पे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि कॉपरनिक के बारे में, हम आपको बता दें कि कॉपरनिक ने एक सिद्धांत दिया था, मतलब जो पृथ्वी के ना, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती थी, ये सिद्धांत किसने दिया, तो कॉपरनिक देता है। एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी ले सकते हैं, न्यूटन का जो तीन नियम है वो काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे। खैर हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे ही करेंगे, इसी से एक क्वेश्चन सेट किए हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, और इस ऐप को डाउनलोड करना भूलिएगा नहीं, इस पे हम आप लोग के लिए क्लास भी चलाते हैं, जैसे कि जनरल स्टडी वाला पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। तो मैं केवल जनरल स्टडी वाला पार्ट ही देखता हूँ, साथ में हिंदी और साथ में इंग्लिश को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। केवल 600 होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होने वाले यहाँ पे। टेस्ट सीरीज वगैरह सारा जनरल स्टडी से सारा काम हम आपको देख लेंगे, बाकी आपका टेक्निकल आपको खुद ही संभालना होगा। एंड 3 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस तंत्र में नेफ्रॉन का संबंध है यहाँ पे, परिवहन तंत्र, या उत्सर्जन तंत्र, या जनन तंत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये परिवहन तंत्र का काम क्या है, जनन तंत्र का काम क्या है, तो संतान वगैरह जो भी जन्म होता है उससे संबंधित है यहाँ पे। परिवहन तंत्र जो परिवहन करता है, जो भी पदार्थ वगैरह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो परिवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको ही हम परिवहन तंत्र बोलते हैं यहाँ पे। तो छोटे छोटे के रूप में ये सब चीज बेसिक चीज ये आपको जानकारी होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी है तो बेसिक भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है, हार्ड टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग के बीच कवर कराएंगे, और करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सारा संयम रखेगा। 4 देखें यहाँ पे, यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा, ऊपर मतलब कोई गेंद है यहाँ पे और उनको ऊपर फेंके, वर्टिकल फेंके, तो क्या होगा यहाँ पे, त्वरण होगा यहाँ पे, जिनको एक्सीलरेशन बोलते हैं, गति मतलब स्पीड होगा, या स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब मोर देन 1, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन अवेयर हो। बताइए इसका आंसर। आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन को सभी को रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि आप लोग पेशा से इंजीनियर है, तो ये एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट समझ लीजिए, या आप लोग मैकेनिक्स तो पढ़े ही होंगे, मैकेनिक्स का पार्ट समझ लीजिए यहाँ पे, जो भी आपको समझना है यहाँ पे। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वही तो बोलते हैं एक्सीलरेशन, वेग के परिवर्तन को तो हम त्वरण बोलते हैं यहाँ पे।
तो वेलोसिटी तो चेंज होगा यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे। फिर स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, बेसिक चीजें आप लोग सभी को इनका जवाब दे ही देते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच होते हैं यहाँ पे, एच क्या है यहाँ पे हाइट है, जी क्या है यहाँ पे ग्रेविटी है, और एम क्या है यहाँ पे मास है यहाँ पे। और यही सब क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कई बार है एग्जाम में। ऐसे रिलेशन क्या है, ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं, क्या होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इनर्शिया, जिनको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहलाता है यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे है। ये भी आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे यहाँ पे। न्यूटन का गति का पहला नियम होती है, या न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन की गति के तीसरा नियम होती है, या ओपिक में से एक, या ओपिक में से कोई नहीं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ यहाँ पे। हालिका जो इनर्शिया होती है ये न्यूटन का फर्स्ट नियम होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ बराबर होता है एफ बराबर एम ए बोलते हैं यहाँ पे। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या होता है, जब कोई फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट में इतना फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे, जैसे एक दीवार पे धक्का मारे इधर से भी लगेगा। बेसिक चीज है जो ऑलमोस्ट आप लोग इंजीनियर हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा, आएगा तो हमें उम्मीद है यहाँ पे। उसी चीज को समझाने के लिए मैंने इस चीज को मेंशन किया हूं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ यहाँ पे है ना। जब कोई बॉडी फिक्स है, जब तो कोई और फोर्स न लगाए तब वो मूव नहीं होगा, तो ये पहले बॉडी फिक्स है जैसे हम इधर खींचे तो उसमें कुछ मूविंग हो गया, न्यूटन का फर्स्ट नियम यहाँ पे है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नाइन क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी नाइन क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक में किस वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी को खींचिए या मान लीजिए उस पर धक्का दीजिए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, चयन कहलाएगा या उत्थान कहलाएगा या बल कहलाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। भाई उनको तो बल ही तो कहेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी इन पे हम वहाँ पे दबाव देंगे तो वो मूव करेगा यहाँ पे, तो उनको बल ही तो देंगे। बेसिक चीज है, इस चीज को अपने टिक लगाना था, सी करेक्ट आंसर देगा। और फर्स्ट बार क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, एम ए होता है यहाँ पे। एम क्या है एक्सीलरेशन है, और एम सॉरी ए क्या है एक्सीलरेशन, और एम क्या है मास है यहाँ पे। एक बेसिक ग्रुप है, आप ये सब चीजें कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और बच्चा ये भी क्वेश्चन निकाल देते हैं, क्वेश्चन पूल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं यहाँ पे। एंड नाइन क्वेश्चन देखें, नाइन क्वेश्चन भी आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नाइन देखें, सूर्य से निकलने वाले यूवी विकिरणों में से मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है यहाँ पे, फेफड़ा का होता है या बात करने वाले या कर्टी का होता है या मुख का होता है या ऑपिक में से सभी या ऑपिक में से कोई नहीं यहाँ पे। हालिका अगर मैं कैंसर का बात करने वाला हूँ ओपिक में से कोई हो जाएगा यहाँ पे, एंड ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो सूर्य से जो किरण निकलती है, दो टाइप की किरण हमें देखने को मिलती है, एक तो निकलती है यू वी ए देख लीजिए, और एक यू वी बी नजर आएगा यहाँ पे, जो कि गैस स्किन को डैमेज करते हैं यहाँ पे है ना। स्किन तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए आप लोग ई को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज को समझाएं देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 10 क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है बट कोई नहीं यहाँ पे। गाजर कौन से विटामिन का मुख्य सोर्स है, तो कैरेट इज मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी हमें किससे मिलता है, कोई भी खट्टा चीज जैसे संतरा आंवला, विटामिन सी मिल जाता है यहाँ पे। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से कैसे मछली के तेल वगैरह जब या सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिल जाता है। बेसिक रूप में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में जब कई सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी होता है, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा ना, सारा रिपीटेड। इसीलिए आप जब मैथ क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर वगैरह भी डालते हैं यहाँ पे। अगेंस्ट क्वेश्चन काफी अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, नर्वस मतलब तांत्रिक कोशिकाएं थी, नर्वस सेल होती या मांसपेशीय कोशिकाएं होती। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, ऑप्शन नेक्स्ट है यकृत की, लीवर सेल होती या ओपिक में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो वेस नर्वस सेल हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन ए को टिक लगा के चले जाएगा। अब सबसे छोटी कोशिकाएं पूछे तो शुक्राणु को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, बेसिक चीज में ये बेसिक क्वेश्चन था। तो भले ही हम क्वेश्चन कम लेके आते हैं, लगभग 11 क्वेश्चन आज था यहाँ पे, काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस। एंड सो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हम काफी सारा लाइव भी आने वाले हैं यहाँ पे, काफी सारा क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं, लेकिन आपका सपोर्ट अगर प्यार रहा तो अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं।
क्लास मत करें, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 600 में आपको हिंदी होगा, जनरल स्टडी होगा यहाँ पे, साथ में हम इंग्लिश को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखना हम भूल जाते हैं लेकिन इंग्लिश भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। करेंट अफेयर हम हो सकता है तो लाइव भी लेके आ सकते हैं।